तो आपको क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे नीट के अंदर कि हमारे पास दो गैमा हैं, जब वो जर्मिनेट करेंगे तो बताइए कितनी ब्रायोफाइट्स की बॉडी बनेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फिट फाइन एंड हेल्दी। सो देखिए, जो गैमा है ये बेसिकली कैसे होते हैं, हैप्लॉयड, बिकॉज ये किसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, गैमेटोफाइट में। मैंने आपको बताया था ना, ब्रायोफाइट में दो तरह की बॉडी होती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो ये कहाँ पर बनते हैं, ये गैमेटोफाइट में बनते हैं, बॉर्न ओवर गैमेटोफाइट। सो जो गैमेटोफाइट की प्लॉयडी होगी वही इनकी प्लॉयडी होगी। गैमेटोफाइट खुद हैप्लॉयड है, और ये भी कैसे होंगे फिर कि अब गैमेटोफाइट ही हैप्लॉयड है, जिस प्लांट बॉडी पे ये बन रहे हैं वही हैप्लॉयड है, तो इनकी भी प्लॉयडी कैसी होगी, हैप्लॉयड। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इस पे ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है बेटा। तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को बंद करके पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। देखो, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैं आपको गैमा के फीचर्स लिख देती हूँ। जो गैमा है ये पहली बात तो एट शेप का होता है, एट की तरह, ठीक है। एट जो नंबर है आपका, उसके जैसा इसका शेप होता है। ये स्टॉक्ड है, ठीक है, स्टॉक्ड होता है मतलब इसके नीचे स्टॉक मिलेगा, राइट। इसका कलर कैसा है, ग्रीन। सो गैमा आर ग्रीन इन कलर। ये मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। इस तरह के होते हैं, मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ इसका। ऐसे एट की तरह होते हैं और नीचे होता है स्टॉक, ठीक है। तो ये हो गया इनका स्टॉक, ठीक है, एट के शेप का है। उसके बाद देखो, ये जो गैमा है ये कुछ स्पेशल रिसेप्टिकल्स पे बनते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पे बनते हैं, उसको हम गैमा कप्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, बॉर्न ओवर रिसेप्टिकल, जिस पार्ट पे ये बनेंगे उसको बोला जाता है, नोन एज गैमा कप, उसको गैमा कप बोलते हैं, ठीक है। तो गैमा कप होता है इस तरह का, ये इसकी मेन बॉडी है, लिवर वर्ड्स पे मिलता है ये, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है, गैमा लिवर वर्ड्स में। तो लिवर वर्ड्स की बॉडी जो होती है ऐसी फ्लैट होती है, लिवर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं गैमा कप्स, ये कप्स हैं, ये कुछ स्पेशल रिसेप्टिकल्स हैं, ये हैं गैमा कप्स। और इन गैमा कप्स के ऊपर आपको मिल रहा है गैमा। तो अब जो गैमा है ना, वो उसका वो आपको दिखने में ऐसा लगेगा इस तरह का, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये है, इसका इतना पार्ट नीचे रिसेप्टिकल के अंदर होता है। तो आपको सिर्फ ऊपर वाला जो एट का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर नीचे इसमें राइजोइड्स होते हैं, ये राइजोइड्स हैं इसके, ये पूरा इसका गैमेटोफाइट है, लिवर वर्ट का, ये इसकी मेन बॉडी है। तो इसकी प्लॉयडी है हैप्लॉयड, तो इस पे मिलने वाली हर चीज़ हैप्लॉयड है बेटा, गैमा भी हैप्लॉयड है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड में बनाया है ये क्या है, ये है गैमा, राइट। सो गैमा कैसे होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, ये एसेक्सुअल बर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेंगे गैमा, ठीक है। कैसे है ये, एसेक्सुअल बर्ड, सेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल बर्ड है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। अब देखो, जब एक गैमा डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से, तो ये ना जहाँ पर भी गिरेगा सुटेबल कंडीशन मिलेगी, ये जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, रिलीज्ड फ्रॉम गैमा कप से रिलीज होगा, ठीक है, फॉल ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी बेस, रॉक पे गिरे, सॉइल पे गिरे, वाटर में गिरे, कहीं पर भी, ठीक है, फॉल ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड जर्मिनेट
to produce new individual, नया ब्रायोफाइट बना देता है. तो एक तरह से रिप्रोडक्शन में ही तो हेल्प कर रहा है, एसेक्सुअल बर्ड ही तो है ये. ये यहाँ पे गैमा कप से डिटैच होता है. जैसे ही डिटैच होगा ये एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरेगा, कोई भी बेस रॉक हो गया, सॉइल हो गई, ग्रास कहीं पर भी गिरेगा वहाँ पर ये जर्मिनेट कर जाएगा. इसको फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए, बस ये जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बना देता है. ठीक है, अब बात आती है कि जब ये जर्मिनेट करता है तो इससे कितनी बॉडी बनती है, कितने इससे थैलस बनेंगे. ठीक है, तो जो बॉडी होती है लिवर वर्ट की उसको थैलस भी बोला जाता है. तो जब ये जर्मिनेट करता है ना, जैसे ये गिर गया अभी कहीं पर, तो यहाँ से एक तो थैलाई निकलेगी इसकी और एक यहाँ से थैलाई निकलती है. ठीक है, तो ये है थैलाई वन और ये है सेकेंड थैलाई. तो एक जब गैमा कप गिरता है या डिटैच होता है पेरेंट से या जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो बनाता है टोटल टू थैलस, दो थैलस वो बनाता है. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 7 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 6 के बाद 7th पॉइंट, कि जो एक गैमा है जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो कितने बनाएगा, टू प्लांट बॉडी बनेगी या टू प्लांट थैलाई बनेगी. बॉडी को ही थैलाई भी बोलते हैं बेटा, थैलस, क्योंकि जहाँ पे बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती रूट स्टेम और लीफ में उसको थैलस ही बोला जाता है. तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी रूट दिख रही हैं प्रॉपर, कहीं पर भी स्टेम दिख रहा है लिवरवर्ट में, नहीं दिख रहा है ना, कोई भी आपको लीफ दिख रही है नहीं. तो ऐसी बॉडी को, इस तरह की प्लांट बॉडी को हम थैलाई बोलते हैं. सो ऐसी कितनी थैलाई बनी, एक तो येरी और एक येरी, तो इस तरह की दो बॉडीज बन गई हैं. तो इसी को बोला जाता है क्या चीज़, कि एक गैमा जब जर्मिनेट कर रहा है सो दो थैलाई बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, इसके बारे में मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि गैमा, पहली बात तो गैमेटोफाइट पे बनेगा, दिस इज़ दी गैमेटोफाइट. ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स पे मिलते हैं जिनको गैमा कप्स बोलते हैं. इनकी भी प्लॉयडी और गैमा कप, सबकी प्लॉयडी हैप्लॉयड है बिकॉज ये गैमेटोफाइट का पार्ट है. ठीक है, ये 8 शेप के होते हैं, 8 नंबर की तरह. नीचे इनका स्टॉक होता है, ग्रीन कलर के हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये स्पेशल रिसेप्टिकल्स गैमा कप पे मिलते हैं. ये एसेक्सुअल बर्ड है, जैसे ही ये फॉल होंगे सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरेंगे एंड वंस दे रिसीव फेवरेबल कंडीशन दे विल जर्मिनेट ओवर देयर एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. एंड जब ये जर्मिनेट करते हैं तो एक टाइम पर दो थैलाई बनाते हैं. तो आपको क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे नीट के अंदर कि हमारे पास दो गैमा है, जब वो जर्मिनेट करेंगे तो बताइए कितनी ब्रायोफाइट्स की बॉडी बनेगी. तो उस टाइम पे याद रखना है, एक गैमा से दो बनते हैं, दो है तो 4 थैलाई बनेगी. ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इस पे, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द गैमा. सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.